अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल दाल तड़का की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनती है और हम इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया है तुअर की दाल। अब तुअर की दाल को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गिलास जितना पानी। साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जितना नमक, और यहाँ पर मैं 1/2 ग्लास पानी और ऐड कर रही हूँ, तो टोटल मैंने यहाँ पर 1.5 ग्लास पानी ऐड किया है। अब हम कुकर की लिड बंद करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब कुकर की लिड बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें 3 प्रेशर ले लेंगे ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। जब तक दाल गलती है हम बाकी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून राई। घी में बहुत ही अच्छा दाल का टेस्ट आता है, तो यहाँ पर मैंने घी ऐड किया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ऐड करेंगे 1 पिंच के करीब हींग। कुछ सेकंड के लिए सौते करेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। मिक्स करेंगे तेल में। साथ में ऐड करेंगे हम यहाँ पर 4 से 5 कली लहसुन की बारीक कटी हुई, और 1/4 इंच अदरक का टुकड़ा मैंने लिया था जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे। अदरक और लहसुन का दाल में बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। तो अभी हम प्याज को सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। और ये देखिए प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 8 से 10 कड़ी पत्ता। साथ में ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए। मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और 1 मिनट तक मैंने भून लिया है, तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सभी मसाले हम ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे और 1/2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब अमचूर पाउडर भी। अमचूर पाउडर का भी दाल में बहुत ही अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए। तो अब हम इसे 1/2 मिनट के लिए भूनेंगे। आधा मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी ताकि मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे और टमाटर और प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो हमें इसे लो फ्लेम पर पकने देना है ताकि टमाटर और प्याज भी सॉफ्ट हो जाए, मसाला भी भुन जाए। तो अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। ये देखिए लो फ्लेम पर मैंने पका लिया है और टमाटर प्याज जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गए हैं और तेल भी रिलीज़ हो गया है, तो अच्छे से मसाला भी भुन गया है। और ये देखिए दाल को हमने अच्छी तरह से उबाल लिया था 3 प्रेशर में और उसे मैश भी कर लिया है, तो वो दाल हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास जितना कुकर में ही पानी ऐड कर दिया ताकि जो बची हुई दाल है वो भी सारी हम ट्रांसफ़र कर लें। तो यहाँ पर अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छी दाल पककर तैयार होगी। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के करीब कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पर पकने देंगे लगभग 2 मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से उबाल आ जाए और अच्छी तरह से दाल सारे मसालों में पक जाए।
तो ये देखिए अच्छी तरह से दाल पक रही है, तो हमें इसे 2 मिनट के लिए पका लेना है। 2 मिनट पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और तड़का देंगे। तो तड़का के लिए मैंने ले लिया है तड़का पैन, और उसमें हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी। घी अच्छा गर्म होने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे 2 सूखी लाल मिर्च, और अच्छी तरह से देखिए तेल गरम हो गया है और मिर्च फ्राई हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। तो ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड किया है ताकि अच्छा सा एक कलर आ जाए दाल को, और गैस बंद करने के बाद ही हमें लाल मिर्च ऐड करना है वरना वो जल जाएगी। और अब हम इसमें तड़का लगा लेंगे, तो यहाँ पर हमें ताल में तड़का लगा लेना है इस तरह से। तो ये हमारी बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल फ्राई बनकर तैयार है, जो बहुत टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो ये गार्निश कर लिया है मैंने हरे धनिए के साथ,